गाइज, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि वो जैसे भी थी मेरे दोस्त थी, वो जैसे भी पढ़ता है उसे पढ़ने दो, वो जैसे भी है मेरी माँ है, वो जैसा भी है झूठा नहीं है। गाइज, इस प्रकार की छोटे छोटे वाक्यों को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको पहले यूज़ कर देने हाउ एवर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है मेन वर्ब और लास्ट में कंप्लीट सेंटेंस। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो हाउ एवर आप देख रहे हैं, हाउ एवर के बदले में आप हाउ सो एवर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। वो जैसे भी थी मेरी दोस्त थी, हाउ एवर सी वॉज माई फ्रेंड, However she was my friend. Or you can say howsoever she was my friend. वो जैसे भी पढ़ता है उसे पढ़ने दो, However he studies, let him study. However he studies, let him study. तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो, However you are, I like you. However you are, I like you. वो जैसे भी है मेरी माँ है, हाउ एवर सी इज़ माई मदर, हाउ एवर सी इज़ माई मदर। वो जैसे भी थे उनसे अच्छे थे, हाउ एवर दे वर बेटर दैन दैम, हाउ एवर दे वर बेटर दैन दैम। मैं जैसे भी काम कर रहा हूँ मुझे करने दो, हाउ एवर आई एम वर्किंग लेट मी वर्क, However I am walking, let me walk. वो जैसा भी है झूठा नहीं है, However he is not a liar. However he is not a liar.